हरे कृष्णा। सभी भक्तों को ढेर सारी दीपावली की बधाइयाँ। आज हम लोग दीपावली के बारे में श्रवण करेंगे कि दिवाली की विधि क्या है, दिवाली में लक्ष्मी जी का पूजन किस विधि से किया जाता है, उसका मुहूर्त क्या है और दिवाली मनाने का इतिहास क्या है, ये हम सब जानेंगे कि हर साल दिवाली क्यों मनाई जाती है और उसका इतिहास क्या है। ये त्यौहार हर वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या के दिन आने वाला हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों का त्यौहार है और हर धर्म का इस दिन के साथ खास महत्व जुड़ा हुआ है। साथ में ही दिवाली को मनाने के पीछे कई सारी कथाएं भी हैं। माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था और उनका विवाह भी भगवान विष्णु से इसी दिन हुआ था। कहा जाता है कि हर साल इन दोनों की शादी का जश्न हर कोई अपने घर को रोशन करके मनाता है। माँ लक्ष्मी को करवाया गया था रिहा भगवान विष्णु के पांचवें अवतार ने। कार्तिक अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी को राजा बाली के जेल से छुड़ाया था और इसके चलते ही इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जैन धर्म के लोग के लिए विशेष दिन है। जैन धर्म में पूजनीय और आधुनिक जैन धर्म के संस्थापक जिन्होंने दिवाली के दिवस पर ही निर्वाण प्राप्त किया था और अपने धर्म के लिए इस दिन को महत्वपूर्ण बनाया था। सिखों के लिए भी ये विशेष दिन है भक्तों। इस दिन को सिख धर्म के गुरु अमरदास ने रेड लेटर के रूप में संस्थागत किया था, जिसके बाद से सभी सिख अपने गुरु का आशीर्वाद इस दिन प्राप्त करते हैं। सन 1577 में दिवाली के दिन ही अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की आधारशिला भी रखी गई थी और पांडवों का वनवास भी इसी समय हुआ था। महाभारत के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन ही पांडवों का वनवास पूरा हुआ था और इनका 12 साल का वनवास पूरा होने की खुशी में इनसे प्रेम करने वाले लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए थे। विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था इसी दिन। हमारे देश के महाराजा विक्रमादित्य, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य पर राज किया था, उनका राज तिलक भी इसी दिन किया गया था। भगवान कृष्ण ने नरकासुर को भी मारा था। देवकी नंदन श्री कृष्ण ने नरकासुर को राक्षस का वध भी दीपावली के से एक दिन पूर्व किया था, जिसके बाद इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है और भगवान राम की घर वापसी भी इसी दिन हुई थी, इसी खुशी में मनाई गई थी। इस दिन भगवान रामचंद्र अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास काट करके सफलतापूर्वक करके और अपने जन्म स्थान अयोध्या में लौटे थे और इनके आने की खुशी में अयोध्या के निवासियों ने दीपावली में अपने राज्य में मनाई थी। वहीं जब से लेकर अब तक हमारे देश में इस त्यौहार का हर वर्ष मनाया जाता है। अयोध्यावासी इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने घी का दीपक जला करके पूरे घर को, पूरे नगर को, पूरे अयोध्या के नगर को, सरयू नदी को, हर घाट को, हर पेड़ पौधों को घी के दीपक से जगमगाया था। भगवान का आने का उन्हें इतना प्रसन्नता था कि वो अपने खुशी को बयान कर रहे थे, सजा करके पूरे रास्ते को बुहार करके और भगवान के खुशी में अपनी खुशी मना रहे थे। और फसलों का त्यौहार भी इसी दिन आता है। इस दिन खरीफ फसल के समय ही ये त्यौहार आता है और किसानों के लिए भी ये त्यौहार समृद्धि का संकेत है और इस त्यौहार को किसान उत्साह के साथ मनाते हैं। और हिंदू वर्ष का भी नव वर्ष भी इसी दिन आता है। दिवाली के ही साथ ही हिंदू व्यवसायी का नया साल शुरू हो जाता है और व्यवसायी इस दिन अपने खाते की नई किताबें शुरू करते हैं और नए साल को शुरू करने से पहले अपने सभी ऋणों का भुगतान करते हैं। अब आते हैं हम लोग दीपावली का महत्व समझने। दीपावली त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और ये दिन लोगों को याद दिलाता है कि सच्चाई और भलाई की हमेशा ही जीत होती है। धारणाओं के मुताबिक इस दिन पटाखे फोड़ना शुभ होता है
और इनकी आवाज पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की खुशी को दर्शाती है, जिससे कि देवताओं को उनकी भरपूर स्थिति के बारे में पता चलता है। परंतु आज की स्थिति को देखते हुए पटाखे न जलाएं और अपने आसपास के पर्यावरण को शुद्ध ही रखा जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मान माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अगर सच्चे मन से इस दिन माँ की पूजा की जाए तो घर में पैसों की कमी, धन की कमी कभी नहीं होगी। इस अवसर पर लोग उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और मिठाई से एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं, और ऐसा करने से उनके बीच में प्यार बना रहता है। यह त्यौहार लोगों को आपस में जोड़े रखने का एक कार्य करता है। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति हमें कैसे खरीदना चाहिए, अब हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिवाली का पर्व हिंदू धर्म में विशेष कर मनाया जाता है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि दिवाली की रात को शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक पूजा करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को धन की देवी बताया गया है। कलयुग में लक्ष्मी जी की पूजा वैभव प्रदान करने वाला माना जाता है। दिवाली यानी दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है, और धनतेरस पर यदि गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की मूर्ति खरीदने जा रहे हैं तो कुछ बातों पर विशेष ध्यान दें। कई बार सही जानकारी न होने के कारण व्यक्ति ऐसी मूर्ति खरीद कर ले आते हैं जिसका वास्तु दोष या अन्य प्रकार की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए दिवाली पूजन पर गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। गणेश लक्ष्मी जी आपस में जुड़े हुए नहीं खरीदना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। दोनों विग्रह अलग अलग होने चाहिए। श्री गणेश लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ की तरफ माता लक्ष्मी को बैठाना चाहिए, यानी स्वयं सामने से देखने पर गणेश जी लक्ष्मी जी के दाहिने तरफ स्थापित हों। अब गणेश जी का सूंड का ध्यान रखना चाहिए कि गणपति जी का सूंड का भी महत्व बहुत है। गणपति की मूर्ति से उनका सूंड उनके बाएं हाथ की तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए। दाई तरफ मुड़ी हुई सूंड तांत्रिक साधना हेतु उपयुक्त होती है। कई मूर्तियों में मैंने देखा है कि सूंड में दो घुमाव होते हैं, ऐसी भी मूर्ति नहीं लेनी चाहिए। मोदक वाली मूर्ति हमेशा शुभ होती है। मूर्ति खरीदते समय हमेशा गणेश जी के हाथ में मोदक होना जरूरी है। ऐसी मूर्ति सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। यह मोदक बाएं हाथ में होना अति शुभ माना जाता है, यानी गणेश जी का मोदक या लड्डू की ओर मुड़ा हुआ हाथ शुभ होता है। मूसक वाहन, ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी का वाहन यानी मूसक की उपस्थिति भी बहुत अनिवार्य है। लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति न खरीदें जो कमल पर विराजित मूर्ति पे उल्लू पर सवारी करती हुई हो, ऐसी मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए। माता लक्ष्मी का हाथ वरदा मुद्रा में हो, यानी आशीर्वाद की वर देने वाला हो और धन की वर्षा कर रही हो, उस तरह का मूर्ति खरीदना अच्छा होता है। दीपावली का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, और दिवाली माता लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस होने से इस दिन माता लक्ष्मी का विशेष पूजन का घर की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन श्री गणेश लक्ष्मी का संयुक्त रूप से पूजन किया जाता है, और श्री गणेश जी प्रथम पूज्य होने के साथ बुद्धि के भी देवता हैं। अतः जीवन में प्राप्त हुआ धन और समृद्धि व्यक्ति के मस्तिष्क पर हावी न हो और व्यक्ति का धन का सदुपयोग कर पाए, ऐसा ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और दिवाली के दिन संध्या काल से संपूर्ण रात्रि तक माँ लक्ष्मी देवी पर पृथ्वी पर साक्षात विचरण करती हैं, तथा साफ स्वच्छ सुसज्जित और दीपों से प्रज्वलित स्थान से प्रसन्न होकर वह प्रवेश करती हैं। इसलिए इस दिन विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार को सुसज्जित करके दीपों द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए, जिससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो। दीपावली पर संध्या के समय घर के मुख्य द्वार को अवश्य खोलना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी के स्वागत और आगमन के लिए दीप प्रज्वलित करना चाहिए, और दिवाली के दिन अपने व्यवसायिक स्थलों, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री,
फर्म आदि पर माँ लक्ष्मी की पूजा और उस दिन कोई मीठा भोग लगाएं और संध्या के समय अपने घर पर पूरे परिवार के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। दीपावली पर किए जाने वाले पूजन के लिए स्थिर लग्न का सर्वाधिक महत्व है और ज्योतिष दृष्टि से भी शुभ और मंगल माना जाता है। दिवाली का शुभ मुहूर्त क्या है? 24 अक्टूबर को 5:47 से 8:21 तक और 25 अक्टूबर को 4:51 से सूतक लग जाएगा। तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव होने से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट अगले दिन बुधवार को मनाया जाएगा। अब दिवाली की सरल विधि क्या है? सर्वप्रथम घर के पूजा स्थल को अच्छे से साफ और स्वच्छ करके फिर एक लकड़ी का चौकी लेकर लाल वस्त्र बिछाएं और वस्त्र पर अक्षत बिछाएं और चावलों का ढेर लगा दें और इस पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को विराजमान करें। यदि घर में लक्ष्मी गणेश का चांदी का सिक्का और यंत्र भी हो तो उन्हें भी इसी आसन पर स्थापित कर दें और फूल मिठाई खील बतासे आदि रखें। लक्ष्मी जी के गणेश जी के पूजन के घी का दीपक बनाएं। अन्य दीयों के लिए सरसों का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम घी का दिया प्रज्वलित करें और इस मंत्र से भगवान गणेश का आह्वान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्य प्रदायिनीं सर्वदेव महिमेशां देवी मां वाहयाम्यां। इसके बाद मां लक्ष्मी जी और गणेश जी का रोली से तिलक करके उन्हें पुष्प आदि समर्पित करें और खील बतासे पुष्प अक्षत और दक्षिणा हाथ में लेकर संकल्प करें कि हम दिवाली के दिन इस अवसर पर जीवन की समृद्धि की कामना करते हुए श्री लक्ष्मी और गणेश का पूजन करें और लक्ष्मी जी और गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करें कि हमारे पूरे परिवार पर कृपा करें। मन में ऐसा संकल्प करने के बाद हाथ में रख कर खील बतासे लक्ष्मी जी को गणेश जी को अर्पित करें और फिर श्रद्धा से श्री सूक्त का पाठ करें और फिर माँ लक्ष्मी की आरती गाएं और मिठाई खील बतासे का भोग लक्ष्मी जी और गणेश जी को समर्पित कर दें और प्रार्थना करें कि लक्ष्मी गणेश सदैव हमारे घर पर विराजमान रहे और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद घी के दीपक जलाएं और अन्य सभी दीपक को घर के चारों तरफ जला दें और जले हुए दीपक से प्रज्वलित कर दें पूरे घर को और मुख्य द्वार को घर के ईशान कोण को तुलसी के समक्ष दिए अवश्य रखना चाहिए। इसके बाद मिठाई खील बतासे का प्रसाद सभी को ग्रहण करना चाहिए और बड़ों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आप सब भी इस प्रकार से गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि विधि विधान से पूजन करेंगे कोई त्रुटि हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अब विधि विधान से पूजन करेंगे तो गणेश लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पे बनेगी। सभी भक्तों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्णा।